शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर सोचा जा रहा है, लेकिन ये तभी अपनाया जाएगा जब दोनों सेना के बीच बातचीत और कूटनीतिक प्रयास नाकाम हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मंजीत, एक बहुत बड़ा और अहम बयान। बिल्कुल नेहा, अब तक एक तरह से तीनों सेनाओं की तरफ से जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर सीनियर जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि इस वक्त दोनों सेनाओं के बीच पूर्व स्तर पर बातचीत चल रही है, सैन्य स्तर पर, मिलिट्री लेवल पर, उसके अलावा राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता है तो सेनाएं जिस तरह से जब्त भारत की तीनों सेनाएं चीन के खिलाफ तैयार हैं और खासतौर से अगर लद्दाख की बात करें वहां पर जिस तरह से सेनाएं तैनात है उसको लेकर जनरल बिपिन रावत का साफ तौर पर कहना है अगर आने वाले दिनों में जो बातचीत के विकल्प हैं दोनों स्तर पर, सैन्य स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, उनसे कोई रास्ता नहीं निकलता और चीन इसी तरह से वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उससे पीछे नहीं हटता है तो सेनाओं के पास, तीनों सेनाओं के पास चीन के खिलाफ सैन्य विकल्प का भी रास्ता है। इसका मतलब ये है कि सेनाओं की जो तैयारी है वो पूरी तरह से पूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि किस तरह का सैन्य विकल्प होगा उसकी चर्चा अभी नहीं की जा सकती क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। तीनों सेनाओं की तैयारी पर उन्होंने बात की कि तीनों सेनाएं तैयार हैं, लेकिन किस तरह का विकल्प चीन के खिलाफ अपनाया जाएगा उसको लेकर उनका साफ कहना है कि वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।